आज दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक कृषि उपज मंडी नवलगढ़ की चेक पोस्ट पर प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं। प्रशासन द्वारा किसी भी पैदल व्यक्ति, किसी भी वाहन के द्वारा अगर जो भी बाहर से आ रहे हैं, उनकी पूरी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना करवाई जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि कोरोना को पूर्णतः हराया जाए। ये आज जो मुख्य चेक पोस्ट है कृषि मंडी के पास में, ऐसी टोटल 6 चेक पोस्ट बनाई हुई है, जिसमें मुख्य चेक पोस्ट ये है। जो अन्य राज्यों से जो गाड़ियाँ आ रही है, कल नासिक से गाड़ी आई थी, जयपुर के बच्चे आए थे, सीकर से भी बच्चे आए थे, इस हिसाब से सबकी यहाँ पे एंट्री होती है। यहाँ दो दो तीन तीन पारियों में अलग अलग स्टाफ लगाया हुआ है। 2 टीचर है, प्रशासन के हैं, और मेडिकल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है। पुलिस स्टाफ के सहयोग से गाड़ियों को रोक के फिर इनकी यहाँ पे जो निर्धारित प्रपत्र दिए हुए हैं, उन प्रपत्रों में इनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद में वो मेडिकल चेकअप होता है, और आवश्यकता पड़ने पे उनको चिकित्सक की सलाह पे उनको जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको 15-14 दिन के लिए जो भी निर्देश है सरकार के, वहाँ आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है, और जो नॉर्मल है उनको उनके घर पर भेजा जा रहा है पाबंद करके, कलेक्टर साहब के आदेशों से उनको पाबंद करके और 14 दिन के लिए घर पर रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। साथ ही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है कि वो गलियों से निकलते हुए नहीं जाए, प्रॉपर तरीके से ही आए। उनको घर जाने से किसी को कोई मना नहीं कर रहा है, उनको हिदायत दी जा रही है ताकि ये जो संकट है, वैश्विक महामारी है, ये और न फैले। सबसे आग्रह है कि अपने तरीके से प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें। पुलिस के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है, रात दिन भागदौड़ करके ये जो व्यवस्थाएँ कर रही है उनको सहयोग करते रहे, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एंट्री करा के अपने घर जाए, ताकि अपन इस महामारी से लड़ सके, बच सके, और औरों को भी बचा सके। तो आज हम सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की राज कोविड के तहत ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें जो अन्य जिलों से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें अपने जिले के जो निवासी हैं और कोई जो अपने राजस्थान से बाहर रहने वाले जो साथी हैं, वो अपनी कोई निजी वाहन से आ रहे हैं, कुछ बसों द्वारा आ रहे हैं, उनको हम रोक रहे हैं पुलिस प्रशासन की सहायता से, और मेडिकल स्टाफ की सहायता से उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद उनको जो निर्धारित प्रपत्र है उसमें सूचना तैयार करके और प्रशासन को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि अपने को पता चले कि अपने ज़िले में कौन कौन साथी बाहर से आए हैं, जिनका आगे मॉनिटरिंग हो सके और अपने संक्रमण से बच सकें। धन्यवाद।